आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों पहला टिप शुरू कर लेते हैं। पहला टिप इस तरह से हमारे ब्रश को लेके है। जब हम बच्चों को ब्रश खरीद के दे देते हैं ना, तो आपने देखा होगा बच्चे इसको यूज करने के बाद इस ब्रश को फिर यूज नहीं करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, ये हमारा ब्रश हो जाता है खराब। तो देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिप लेके आई हूँ कि इस तरह से जो हम फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो इस तरह से पाइप उसमें आता है, तो इस तरह से पाइप हम इसको फेंक देते हैं। देखिए इस पाइप को फेंके ना, इसको मैं इस तरह से रखी रहती हूँ पाइप को। तो देखिए मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लिया है, और कटिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे इसका ये जो ब्रश फैलता है और ये जो खराब हो जाता है। तो देखिए इस पाइप के अंदर हम इस तरह ब्रश को घुमाते हुए रोल करते हुए इस तरह से हम डाल देंगे, तो इसका ये जो ब्रश है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल इसमें सेफ्टी रहेगा। आप इसको कैसे भी रखेंगे लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से पाइप है ना, इसको फेंके ना, इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे चीज़ अपने घर में ही ऑर्गेनाइजर बनाते रहेंगे तो कितना अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से चूड़ियों को लेके है। मैं आर्टिफिशियल ये मेटल की चूड़ियाँ जो होती है ना, तो होता क्या है इस तरह से, तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से चूड़ियाँ जब भी हम पहनते हैं, कभी कंटिन्यू रेगुलर पहनते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे हाथों में एलर्जी टाइप इन्फेक्शन टाइप में ये हो जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे हाथों में कालेपन भी हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होता है और खुजली भी लगने लगती है। तो देखिए मुझे करना क्या है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट नैन पेंट लेना है, लाइट कलर का जो नैन पेंट होता है, आप कोई सा भी नैन पेंट इस तरह से लगा लेंगे। तो होता क्या है, इस तरह से लगाने के बाद क्या होता है कि इस कड़े में क्या है, मेटल की चूड़ियाँ है ना, तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल इसमें पानी लगते ही फिसल जाएगा और जो भी पसीना होगा बिल्कुल आपके कड़े में नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से जो भी इसमें होगा, ये ट्रांसपेरेंट नैन पेंट मैंने लगाया है, तो क्या होता है इससे कि हमारे हाथों में बिल्कुल इन्फेक्शन एलर्जी बिल्कुल नहीं होगा, ना ही इस तरह से काला पड़ेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इसको एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा, और ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे चावल को लेके है। तो दोस्तों हम जब कभी राशन अपने घर में लाते हैं तो इकट्ठे 10 किलो 15 किलो चावल ले लेते हैं, पूरे महीने का खर्चा चलाते हैं। तो क्या होता है, तो इस तरह से इकट्ठे हम ले लेते हैं, तो होता क्या है इस तरह से इसमें कीड़े वगैरह और इसमें आपने देखा होगा सुरसी वगैरह पड़ी जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से साबुन का रेफर हम फेंक ही देते हैं, हम इस्तेमाल में लेते नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से रेफर को हम फेंके नहीं, और इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसके चावल के अंदर डाल दिए हैं, तो जो भी इसमें कीड़े वगैरह लगते हैं ना चावल में बिल्कुल नहीं लगेंगे। वैसे भी हम चावल धो के यूज करते हैं, तो आप सोच रहे होंगे इसमें साबुन का स्मेल आएगी, तो बिल्कुल नहीं, इसको अच्छी तरह हम धो के ही चावल यूज करेंगे, और इस तरह से आप रखेंगे चावल आपका ख़राब नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से हमारे तरबूज को लेके है। तो दोस्तों हम कभी घर में बहुत ही बड़ा तरबूज ले आते हैं, हमारा तरबूज ख़त्म नहीं हो पाता है। तो देखिए इसके लिए मुझे करना क्या है, तो ख़त्म नहीं हो पाता है, कभी ऐसा होता है कि हम आधा खा लेते हैं और आधा रखा ही रहता है, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको किस तरह से रखें कि ताकि हमारा फ्रिज भी ना ख़राब हो और ये सेफ्टी पड़ा भी रहे। तो देखिए इस तरह से हम प्लेट में रखते हैं तो हमें डर भी लगा रहता है। तो देखिए मुझे करना क्या है, इस तरह से आप एक पन्नी लीजिए, पन्नी में इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे। इस तरह से कवर करने के बाद हम फ्रिज में रखेंगे ना, तो जो भी इसका पानी वगैरह थोड़ा बहुत निकलता है तरबूज का, ये बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, आपका फ्रिज भी सेफ्टी रहेगा, फ्रिज बिल्कुल नहीं खराब होगा, ना ही आपका तरबूज खराब होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगली ट्रिप मेरी इस तरह से फ्रिज की डोर के लेके है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा होगा इस तरह से हमारी फ्रिज की डोर ख़राब भी हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलता है, और बिजली भी ज़्यादा हो आता है, और इस तरह से बिजली का खर्चा भी ज़्यादा है। तो देखिए मुझे करना क्या है, जब आपकी इस तरह से चेक करना है कि हमारी फ्रिज का ये डोर ख़राब हो चुका है और यहाँ से हवा पास हो रहा है, तो मुझे करना क्या है, तो देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से ये जो फ्रिज का डोर है, पहले तो अगर ये गंदा है तो इसको आप साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भरी रहती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसको सफाई करना कैसे है। तो देखिए एक कपड़े में मैंने ले लिया है बर्फ़ का एक पीस ले लिया है,
आप इसको इसी तरह से घुमाते रहेंगे तो देखिए आप इसमें इस तरह से साफ़ करेंगे इसकी डोर को, तो बहुत ईजी तरीके से इसका डोर भी साफ़ हो जाता है और जितना भी इसमें कालेपन बैक्टीरिया वगैरह सब रहती हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये सफाई हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने काफ़ी नीचे से ऊपर तक के सफाई कर लिया, इसमें काफ़ी डस्ट वगैरह निकला है। तो दोस्तों ज़्यादातर ही हमारा डोर ही गंदा होता है फ्रिज का, और ज़्यादा अगर इसका डोर ही ख़राब हो गया तो डोर से ही इसका एक गैस लीकेज होता है। तो दोस्तों अगर गैस लीकेज होगा तो बिजली का खर्च ज़्यादा होगा आपका। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे फ्रिज का ये जो गैस तो नहीं लीक हो रहा है। तो चलिए मैं इसी तरह से अच्छी तरह से सफाई कर ली हूँ। एक मैंने ये बर्फ़ के हेल्प से अच्छी तरह से मैंने ये सफाई कर लिया है कपड़े में डाल के। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से अगर आपको डोर साफ़ करना है तो इसी तरह से आप सफाई कीजिएगा। मैंने डोर को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो देखिए हमें पता तो चलता नहीं कि इसमें से गैस किस तरह से निकल रहा है किस तरह से नहीं। तो देखिए मुझे कैसे पता करना है, इस तरह से मुझे एक पेपर लेना है। तो देखिए पेपर को हम बीच में इस तरह से दबाएंगे, अगर ये पेपर बाहर निकल जा रहा है समझ लीजिए कि आपका फ्रिज का गैस लीक हो रहा है। नहीं तो मैं एकदम बिल्कुल खींच रही हूँ, हमारा ये फ्रिज का जो गैस है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल लीक नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर आपको भी आजमाना है तो बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर आजमा के देखिएगा। और इसका दूसरा ट्रिक एक और है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया है, बिल्कुल लीक नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं दूसरा ट्रिक इसका बताती हूँ क्या करना है मुझे। इस तरह से मोबाइल लेके और मोबाइल को मुझे इस तरह से लाइट ऑन करके मुझे रखना है, अंदर रखना है और लाइट को बंद कर देना है। तो देखिए इस तरह से लाइट को बंद करके आप फ्रिज बंद करके देखेंगे ना, अगर थोड़ा बहुत भी रोशनी दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी डोर लीक हो रही है और कहीं से गैस पास हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में।